हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही पढ़ाई आप लोग की? झकास, बढ़िया। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डीसी मोटर। नाउ डीसी इज डायरेक्ट करंट, मोटर ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हम लोग के घर में एक टुल्लू लगा होता है, मोटर बोलते हैं उसको, तो उसमें करंट आता है, पानी को ऊपर ले जाता है। मतलब पानी में कौन सी एनर्जी आई? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। और वो किससे बनी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ऐसी डिवाइस को हम मोटर बोलते हैं। डायरेक्ट करंट जो बैटरी से मिलता है, मतलब इसको हम एसी करंट से नहीं चला सकते। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? तो ये रहा मेरे राइट साइड में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। ये एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे यानी एक हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश की है। इसके लिए हॉर्स शू मैग्नेट लगा सकते हो ऊपर से। बीच में आपको ये जो कॉइल दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं आर्मेचर कॉइल, है ना। कुछ नहीं है, कॉपर के वायर हैं और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बांधा है। सॉफ्ट आयरन कोर ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं अभी। अच्छा, फिर ये कॉइल जाके यहाँ दो ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर बोलते हैं, S1 और S2। और यहाँ पे दो ब्रशेस लगे हैं जो कार्बन के हैं, कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। ध्यान से देखिएगा, ये जो S1 है ये आर्मेचर से अटैच है। ये किससे अटैच है? आर्मेचर से। ये जो रिंग है ये इस पार्ट से अटैच होती है, और ये जो B1 है ये इससे अटैच होता है, B2 इससे अटैच। इधर एक्सटर्नल सर्किट से B1 B2 अटैच है, और S1 S2 आर्मेचर कॉइल से अटैच है। अब होगा क्या, यहाँ पे बैटरी लगी है जो कि क्या प्रोवाइड करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उससे क्या बनेगी? मैकेनिकल एनर्जी। तो हम सोचना स्टार्ट करिए जरा, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कैसे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड इज डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। कैसे बनी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। हम इस कॉइल में करंट दौड़ाएंगे, करंट की वजह से ये कॉइल घूमना स्टार्ट करेगा, घूमने की वजह से इसके पास मैकेनिकल एनर्जी। ये घूमेगा तो ये टर्बाइन घूमेगा, टर्बाइन घूमेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट्स सो सिंपल। अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल। व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस एन फोर्स। यानी हमने एक प्रिंसिपल को लिख दिया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में लग दिया, अब ये डिफ्लेक्ट होगा, घूमेगा, कोई मोशन करेगा, जिससे मैकेनिकल एनर्जी बनेगा। चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या होगा। यहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट निकला आई, मैं ये करंट का डायरेक्शन बना रहा हूं, इधर इधर आई, इधर यहां पर आई। अब ध्यान से इस कॉइल को देखिए, जो पार्ट ए बी दिख रहा है इसमें करंट ऐसे जा रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां? बिल्कुल होगी। कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब हमें पता लगाना है कि इस वायर पे फोर्स कैसे लग रही है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप पिछला वीडियो जरूर जाके देखिए, प्लीज चेक आउट माय लास्ट वीडियो ऑफ FBI। तो FBI, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बी, नॉर्थ से साउथ, करंट पीछे की तरफ जाता हुआ, और फोर्स देखिए कैसे जा रही है, इनवर्ड्स। यानी इस पे एक इनवर्ड्स फोर्स लगेगी, है ना, एक इनवर्ड्स फोर्स लगेगी। अब इस वाले वायर को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड फिर नॉर्थ से साउथ, करंट आउटवर्ड्स बाहर आता हुआ, फोर्स आउटवर्ड्स, यानी फोर्स इस पे लगी आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। मैं फिर से बोलता हूं, कहने का मतलब इस कॉइल पे फोर्स नीचे आई और इस पे फोर्स ऊपर। द फोर्स ऑन दिस कॉइल इज डाउनवर्ड, ऑन दिस इज अपवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर दिस फोर्स इज एफ इज इक्वल टू आई बी एल। यू सी, करंट इज सेम इन बोथ द कॉइल्स, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और लेंथ भी दोनों की सेम है। यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या बनाती है? टॉर्क बनाती है, मतलब ये घूमना चालू कर देगा। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लियर हुआ पिक्चर कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये रोटेशन स्टार्ट हुआ हमारा। अब देखो ध्यान से, जब ये ऊपर आएगा और ये पार्ट नीचे जाएगा, रोटेशन होगा, तो यार ये स्प्लिट रिंग ऐसे ऊपर उठने लगेगी ना, ये स्प्लिट रिंग यहां से S2 ऊपर उठेगी और S1 इधर से नीचे गिरने लगेगी। अब हम मानते हैं कि हाफ रोटेशन हो गया, 180 डिग्री रोटेट कर गया, है ना, ये S2 रोटेट करके B1 पे टच कर गया और S1 रोटेट करके B2 पे टच कर गया। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है ना। ये कॉइल ऐसे ऊपर उठेगा, ये ऐसे नीचे जाएगा और S2 B1 से टच, S1 आकर B2 से टच। तो आफ्टर 180 डिग्री क्या सिचुएशन होगा, जल्दी से मैं वो बनाता हूं। तो आफ्टर 180 डिग्री ये कुछ सिचुएशन हो जाएगी, ये रोटेट करके इधर आ गया, सो डी विल बी ओवर हियर, सी विल बी हियर, बी विल बी हियर, ए विल बी हियर। ये पूरा घूम गया है, ए बी इधर चला रहा है, बी सी इधर। नाउ यू सी द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज चेंज। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, इसका काम ही यही था, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी 180 डिग्री। देखिए पहले S1 B1 से टच कर रहा था,
अब घूम गया तो पूरे ये S1 वाले कम्यूटेटर किससे टच किया, B2 से, S2 वाले B1 से, रोटेशन समझ में आया, डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिमेन सेम, नो इट हैज चेंज्ड, अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्शन ऑफ करंट A टू B था, अब क्या हो गया B टू A, करंट तो पॉजिटिव से निकला ऐसे गया D से C और B से A, ये आपको ट्रांजिशन समझ में आया ना। अच्छा फोर्स अभी भी इसमें इनवर्ड, इसपे आउटवर्ड, फिर घूमेगा 180 डिग्री रोटेट करेगा, मतलब ये उठकर ऊपर से इस पे लग जाएगा, यानी S1 फिर B1 के साथ, S2 फिर B2 के साथ, ये फिर फ्लिप कर जाएंगे, यहां पर A, यहां पर B और यहां पर C, यहां पर D, फिर करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, सेंस ऑफ रोटेशन विल रिमेन सेम। तो ये कम्यूटेटर का काम है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट विद इन द कॉइल टू कीप द सेम सेंस ऑफ रोटेशन थ्रू आउट, यानी हमको एक कंटिन्यूअस रोटेशन मिल गया विद द हेल्प ऑफ करंट, वी चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, कैसे इसको तेजी से रोटेट कर सकते हैं, सो बहुत सिंपल है, अपन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे कॉइल के, अपन करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, हम लोग एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दें, फिर से मैं चार चीज बोलता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे, हम लोग करंट बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, या तो एरिया ऑफ कॉइल, तो इसको मैं सिंपल एक प्रिंसिपल बोलता हूं मीना, है ना, आप मीना करके इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना दिया, M मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ कॉइल, इनमें से चारों में से किसी एक को भी इंक्रीज करोगे या सबको इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर जाएगा। सबसे इजियर क्या होता है एग्जाम में लिखना हो तो यू विल लाइक नंबर ऑफ टर्न्स, आपके हाथ में है ना कॉपर की टर्न्स आपने बढ़ा दी, हाँ उससे रेजिस्टेंस जरूर बढ़ेगा, वो एरिया बढ़ाने से भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से यहाँ पे एनर्जी लॉस, मैग्नेटिक फील्ड भी होने लगेगा, है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी लॉस होने स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा आखिरी फैक्टर कौन सा है, करंट, करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस स्टार्ट होगा, तो सभी में कुछ डिसएडवांटेज है, यू कैन नॉट इंक्रीज एड्रप्टली द स्पीड ऑफ रोटेशन, एक जगह आके लिमिटेड, सो दिस इज द पर्पस और द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसका एक क्वेश्चन और पॉपुलर आता है, कैन इट वर्क विद AC करंट, अब ये सोचने के बाद अगर यहां पे मैं AC करंट लगा दूं तो होगा क्या कि एक बार ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, मतलब एक बार करंट ऐसे फ्लो करेगा, थोड़ी देर बाद करंट ऐसे फ्लो करेगा, कितनी देर बाद, एक सेकंड में 50 बार ऐसा होगा कि करंट इधर 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 इधर, एक सेकंड में 50 बार करंट इधर इधर, जैसे मान लो 1/50 सेकंड के लिए करंट इधर हुआ, फोर्स इस पे डाउनवर्ड लगी, नेक्स्ट 1/50 सेकंड के लिए करंट इधर हो गया, फोर्स इस पे अपवर्ड, ये ऐसे 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 ऐसे, ये कॉइल नीचे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे कोई परफेक्ट रोटेशन नहीं मिलेगा, ऐसे अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहेगा, बट एक्चुअल में कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि करंट बहुत तेज चेंज हो रहा है, ऐसे 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 धीमे धीमे, समझ में आया, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द DC मोटर, थैंक यू, स्टडी वेल, हम होंगे कामयाब।